बिफोर स्टार्टिंग थर्ड मॉड्यूल मेरा आपसे एक सवाल है क्या आपने सेकेंड मॉड्यूल में लेसन्स की सही तरह से प्रैक्टिस की है क्योंकि वो सारा कॉन्टेंट इस थर्ड मॉड्यूल के अंदर और आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाला है तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आई रिक्वेस्ट के वापस सेकेंड मॉड्यूल में जाएँ और पहले जाके लेसन को दोबारा से सुने उसकी प्रैक्टिस करें उसको सही तरह से अंडरस्टैंड करें उसके बाद थर्ड मॉड्यूल के अंदर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं सो so, अगर आपने प्रैक्टिस की है दैट्स वेरी गुड तो थर्ड मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस मॉड्यूल में एक्चुअली है क्या सो वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ बिजनेस कार्ड ठीक है तो अब बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए कुछ एक डिज़ाइन प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे और ये एक ऐसा डिज़ाइन प्रोसेस होगा जो डिज़ाइन के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि पोस्टर डिज़ाइन के अंदर फ्लायर डिज़ाइन के अंदर ब्रोशर डिज़ाइन के अंदर इवन के लोगो डिज़ाइन के अंदर लेकिन हम लोगो डिज़ाइन के प्रोसेस को अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे तो इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे बिजनेस कार्ड के लिए कंटेंट कौन सा चाहिए होता है हमने कौन से क्वेश्चंस करने हैं क्लाइंट से पहले लेसन के अंदर रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे राइट right? उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए स्केचिंग करेंगे बिजनेस कार्ड्स के कि हमने उस कॉन्टेंट को मैनेज कैसे करना है उसके बाद हम सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर बिजनेस कार्ड टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाता है उसकी कौन सी गाइडलाइंस हैं कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती हैं उसके बाद टैम्पलेट डिज़ाइन करने के बाद हम अपने स्केच को कन्वर्ट करेंगे एक डिज़ाइन के अंदर और उसके बाद हम उस फाइल को सेव करेंगे फॉर द प्रिंटिंग पर्पस राइट प्रिंटिंग के लिए सेव करने के बाद द लास्ट थिंग इज़ कि हम अपने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन को एक मॉकअप में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग अ फोटोशॉप मॉकअप तो आप उस मॉकअप को अपनी पोर्टफोलियो पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर सकते हैं आप उसको क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं दैट हाउ योर बिजनेस कार्ड विल लुक जब वो प्रिंट होके एक रियल लाइफ में आप उसको देखेंगे सो so, उसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं सो so, ये एक ओवरव्यू है इस थर्ड मॉड्यूल का कि हम इसमें क्या कॉन्टेंट कवर करने वाले हैं सो आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस मॉड्यूल एंड आई बिलीव दैट यू आर एक्साइटेड टू सो लेट्स गेट इन टू दिस मॉड्यूल